घर की शीला देवी को शेर और शायरी का बुखार चढ़ गया था। अब वो सीधे मुंह किसी को जवाब ही नहीं देती थी। उनके पति और उनका बेटा तो काम करने घर से बाहर चले जाते थे और उनकी शायरी झेलनी पड़ती थी बहू रेणु को। अब सास बोलती नहीं, अर्ज करती थी, संदूक पे रखी संदूक, संदूक में रखे झुमके, बहू झुमके निकाल के दे मेरे, कहां लगा रही है ठुमके। माँ जी, झुमके तो आपके निकाल दूंगी मैं, लेकिन आपके दिमाग से ये शायरी का भूत कैसे निकलेगा? छोटे लोग नहीं समझेंगे, शायरी है शौक बड़ा, तू अपने काम से काम रख, मेरे काम में मत टांग अड़ा। शौक अलग बात है, लेकिन हर चीज में अपना शौक डाल देने से जगह साई हो सकती है सासुमा। अरे मैं हूँ एक नंबर कलाकार, कोई ऐसी वैसी बला नहीं, तुम घर के कामों में उलझी, समझोगी मेरी कला नहीं। ठीक है माँ जी, आप नहीं समझती तो कोई बात नहीं, लाओ मैं आपके झुमके ही निकाल कर दे देती हूँ। बहू सास के झुमके निकाल कर देती है और वहाँ से चली जाती है। शाम को बहू अपने पति से शिकायत करती है, सुनिए जी, आप माँ को कुछ समझाती क्यों नहीं? अरे क्या समझाना है माँ को? अरे अपनी शायरी थोड़ी कम करे ना। अरे तुमको उनकी शायरी से क्या दिक्कत है? अरे मुझे नहीं, पर पड़ोस में सब लोग हंसते हैं, कहते हैं बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं, लेकिन शीला जी तो शायर हो गई हैं। अरे लोगों का काम है कहना, लोगों की बातों का क्या टेंशन लेना। अरे वाह, मैंने भी शेर कह दिया, वाह 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 वाह। देख लो, तुमसे किसी ने कहा नहीं और तुम्हारे सामने कोई माँ की बुराई नहीं करता तो तुमको फर्क नहीं पड़ रहा। अरे तुम खामखा की बात का बतंगड़ बना रही हो, चलो चाय बनाकर ले आओ मेरे लिए, साथ पियेंगे, कोई ढंग की बातें करेंगे। रेणु चाय बनाने लगती है, पहले वो अपने पति को चाय देती है, फिर सास को और आखिर में अपने ससुर को, लेकिन वो देखती है कि ससुर जी कुछ परेशान से हैं। क्या हुआ ससुर जी, कोई बात हो गई है क्या? अरे तेरी सास बात बात पे शायरी करती है, कल मैंने पूछा कि खाना खाया तो तेरी सास ने क्या जवाब दिया पता है? अरे गलती की और आरोपी ने कोड़े खा लिए फटाफट, खाना तो नहीं पर पकोड़े खा लिए झटाझट। अब बता क्या जवाब दूं इस बात का? वो तो सभी से शायरी में ही बात कर रही है, मुझे भी समझ में नहीं आता कि क्या करूं मैं। बेटा उसको उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा, मैं तो आम बातचीत में भी उसके सामने कुछ नहीं बोल पाता, शायरी में क्या बोलूंगा भला। ससुर ने जैसे ही कहा कि उसको उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा, बहू को ये बात जच गई। अगले ही दिन वो शायरी की कुछ किताबें लेकर आई और शायरी की प्रैक्टिस करने लगी ताकि सास को उन्हीं की भाषा में जवाब दे सके। उसने दिन रात एक कर दिए। एक दिन सब साथ में बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी रेणु सबके लिए बिरयानी बनाकर लाती है, लेकिन सास को बिरयानी भाती नहीं। कौआ करता काऊ काऊ, चिड़िया बोलती ची ची, इतना खराब बिरयानी बनाई है कि मुंह से निकले छी छी। बस इसी मौके का तो बहू को इंतजार था, क्योंकि अब बहू सास को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार थी। माँ जी हमको अपनी ये बेकार शायरी ना सुनाइए, जैसी भी बनी है बिरयानी चुपचाप खाइए। ससुर जी और रेणु के पति ने रेणु का जवाब सुनते ही जोर से ताली बजाई, और सास ने जब रेणु का शायराना जवाब सुना तो उनके गले में बिरयानी अटक गई। बहू ने एक और शायरी का तीर छोड़ा। शायरी में बहू के सामने सास हो जाएगी ढेर, क्योंकि सास मारेंगी एक शेर तो बहू मारेगी सवा शेर। सास को छोड़ के सब वाह वाह करने लगते हैं। आज पहली बार सास को नहले पे दहला मिला था और रेणु ने सास का मुंह चुप करा दिया था। अगले दिन रेणु का पति उससे कहता है, अरे वाह तुमने तो माँ की बोलती बंद कर दी, मजा आ गया, अब मेरे लिए कुछ बना दो, खाकर मैं काम पर चला जाऊं।
शायरी ही है मेरा जीवन, वही करूंगी जी भर के, नौकरानी रख लो कोई, काम नहीं करूंगी मैं घर के। अरे तुम क्या माँ जैसी हरकतें करने लगी, सीधे सीधे बात करो ना, हो गई कल शायरी, रोज थोड़ी ना करोगी। शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे फोड़ दो, जो मुझे शायरी से रोके उसके कान मरोड़ दो। पति घबरा कर वहां से चला जाता है और बाहर उसके पिताजी के पास जाकर बैठ जाता है। दोनों अपनी बीवियों की शायरी से परेशान है। ससुर को पछतावा होता है कि क्यों उसने बहू को सास की भाषा में ही जवाब देने का आइडिया दिया। अब तो घर में दो दो शायर हैं। दोनों एक साथ दुखी स्वर में कहते हैं, हम दोनों की ही बीवियां जब से शायर हो गई है, क्या बताएं, जिंदगी एक फटा हुआ टायर हो गई है। हम दोनों की ही बीवियां जब से शायर हो गई है, क्या बताएं, जिंदगी एक फटा हुआ टायर हो गई है।